जी हाँ साथियों, फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपको बताएंगे जीवन प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में, जो सेल्फ अपने से कैसे बना सकते हैं। तो हमने वेबसाइट खोल रखी है। जैसे वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपने एक ईमेल आईडी देना होगा और पासवर्ड देना होगा, ईमेल आईडी और कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी करेंगे। तो उस पर आपके मेल पर ओटीपी आएगा, जैसे देख पा रहे हैं ओटीपी हमारे पास आ चुका है। यहाँ फिल करते हैं, फिल करने के बाद फिर सबमिट करते हैं। सबमिट करेंगे तो फिर हमारा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। इसका लिंक हमारे मेल पर जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख रहा है मेल पर सेंड कर दिया गया। जैसे आप मेल चेक करेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा, तो देखिए यहाँ पर लिंक भेजा हुआ है। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे फिर डाउनलोड करने के लिए देगा, तो आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो हमने डाउनलोड कर लिया है। फिर देख आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर इंस्टॉल कर लेंगे, जैसा कि एक्सट्रैक्ट हो रहा है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है फिर हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करके आपको हम लाइव दिखाएंगे कि कैसे जीवन प्रमाण पत्र आप सेल्फ अपने स्वयं से बना सकते हैं। आपके पास लैपटॉप पीसी है, आयरिस डिवाइस वगैरह कुछ है, अगर आप साइबर सेंटर चलाते हैं, आपके पास सीएससी वगैरह कुछ नहीं है, तो आप कैसे कर इसको आसानी से अपने से बना करके किसी भी जो पेंशनर हैं। तो यहाँ देखिए दो ऑप्शन दिख रहा है, एक आयरिस का है एक फिंगर का है। आपके डिवाइस में जो भी सिस्टम में जो जो भी डिवाइस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेगा वो सिस्टम शो में शो करेगा। तो हमारा इंस्टॉल हो गया अच्छी तरह से। अब हम आपको बना कर दिखाते हैं। इस सबसे पहले जो पेज खुलेगा उसमें आपको स्वयं की डाटा फिल करनी होगी, यानी कि आप ऑपरेटर हैं तो आपको अपने पहले डाटा फिल करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम ऑपरेटर ऑथराइजेशन। तो पहले अपना डाटा फिल करेंगे, आधार नंबर हो या वर्चुअल आईडी हो, तो हम फिल करके फिर सेंड, आपका आधार नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी हो गया। उसके बाद आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी को जैसे ही फिल करेंगे, देख लेते हैं ओटीपी हमारे मोबाइल पर। ये देखिए हमने ओटीपी को फिल कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं ओटीपी हमारा सही है गलत है। उसके बाद देखिए ऑपरेटर का नाम होगा, तो अपना पूरा नाम लिखेंगे। तो अपना नाम लिख करके चेक मार्क पर जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद बायोमेट्रिक स्कैन करेंगे। तो इसमें देखिए आयरिस डिवाइस हमारा शो कर रहा है, आयरिस को ले रहा है। तो हमारे पास आयरिस है तो आयरिस हम स्कैन कर लिए। और अब देखिए पेंशनर का डिटेल खुल गया। अब यहाँ आधार नंबर डाल करके मोबाइल नंबर फिल करके, इंपॉर्टेंट आधार और मोबाइल है उनका, आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो हम फिल कर लेते हैं। तो हम आधार नंबर डाल रहे हैं, ये हो गया हमारा आधार नंबर। अब उनका मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। जैसे ही मोबाइल नंबर फिल करेंगे फिर सेंड ओटीपी पर कर देंगे। ईमेल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ईमेल को आप डाल सक भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो हम जनरेट ओटीपी करते हैं, जो नंबर आप डाल रहे हैं उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी इसमें फिल करेंगे तो थोड़ा सा आपको लाइव दिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ओटीपी आएगा, देखिए ओटीपी से फिर हम इसको ओके कर देते हैं। देखिए पेंशनर का पूरा डिटेल खुल गया, यानी अब इसमें अगर जिनका जाहिर डाटा से जो पहले का है वो कर सकते हैं, या दूसरा ऐड करना है दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। देखिए नीचे यहाँ ऐड करने का ऑप्शन दिखा रहा है। दूसरा पीपीओ आईडी वगैरह डाल करके आप करेंगे, उनका पहले का फिल है इसलिए आपको फिल दिखा रहा है सब। देखिए फिर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर री एम्प्लॉय वगैरह कुछ अगर डिटेल उनका है तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करेंगे फिर यहाँ चेक मार्क पर दोनों पर क्लिक करेंगे। देखिए दोनों मार्क चेक क्लिक हुआ, उसके बाद सबमिट कर देंगे। देखिए आपका यह डाटा सबमिट हो गया। अब देखिए ये तो हो गया। अब उनका यहाँ तो फिर अगर दूसरा कोई है दूसरा भी इनका डिटेल सेव कर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं ऐड करना है तो फिर आप करेंगे क्या। नीचे देखिए बाएं साइड में दिखाई दे रहा है बायोमेट्रिक स्कैन का, तो हम आपको डायरेक्ट स्कैन करके आपको बना करके दिखाते हैं। चाहे तो दूसरे किसी का फिल कर सकते हैं फिर से दोबारा। इसमें देखिए डाटा सब दिखाई दे रहा है, जो जो भी डाटा फिल करना है, जो ये एजेंसियाँ हैं, जो जो भी सेकेंडरी ऑथराइजेशन है, अथॉरिटी है या बैंक है, क्या है, ये सब डाटा आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से आप फिल करके दोबारा से भी आप उनका पीपीओ नंबर है, अकाउंट नंबर है फिल कर सकते हैं। नहीं तो फिर
अगर नहीं करना है तो फिर अगर इनका एक सिलेक्ट करने पे पूरा डाटा दिखाई दे रहा है तो फिर अब उसको बायोमेट्रिक स्कैन करेंगे। बायोमेट्रिक स्कैन करने के लिए देखिए हमारा यहाँ चेक मार्क पर क्लिक करेंगे, फिर स्कैन करेंगे तो हम उनका आयरिस स्कैन कर लेते हैं। तो आयरिस देखिए स्कैन हो गया, नहीं हो पाया, फिर से दोबारा प्रयास करते हैं। तो देखिए देखते हैं अब की बार हो जाता है कि नहीं हो पाता है, तो हम फिर से स्कैन कर रहे हैं। तो फिर देखते हैं स्कैन, ये देखिए हमारा स्कैन हो गया और प्रमाण आईडी जनरेट हो गई। तो इस तरह से आप आसानी से किसी का भी बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की मज़ेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इसको हम प्रिंट करके कस्टमर को दे देते हैं। एक निवेदन हम करना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं इस तरह की मज़ेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ अगली वीडियो में।